आई होप आप सब बढ़िया होगे, चंगे होगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो है एक रिव्यू वीडियो। मैं करने वाली हूँ फाउंडेशन का रिव्यू, जो कि है इनसाइट का। और ये फाउंडेशन जो है ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ शेयर किया जाए। क्योंकि जब मैं अपने ब्लॉग शेयर करती हूँ, अपनी लाइफ शेयर कर सकती हूँ, तो मैं ये भी शेयर कर सकती हूँ कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है और कौन सा नहीं। तो ये जो फाउंडेशन है ये मैं लेके आई थी कैंटीन से। आप इसको अगर बाहर खरीदते हो तो इसका जो रेट है वो है 225। मुझे ये सस्ता पड़ा था, MRP तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सस्ता पड़ा था। जब मैं लेने गई थी तो मैं लेने गई थी लैक्मे का प्रोडक्ट, लेकिन मुझे ये मिला। मैंने इसका नाम भी नहीं सुन रखा था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार लेके देखा जाए ये है कैसा। लेकिन वाकई में बहुत ही अच्छा है। जब आप इसको चेहरे पे अप्लाई करते हो तो आपको ना बिल्कुल लाइट फील होता है, लगता है कि आपने कुछ मेकअप वगैरह नहीं कर रखा है। और बहुत सारे ऐसे फाउंडेशन है जिसको आप लगाते हो तो हैवी हैवी सा लगता है। मैंने अभी इसको अपने स्किन पे लगा रखा है और मुझे ना बिल्कुल फ्री लगता है, कि मतलब एकदम लगता नहीं है कि मैंने कुछ भी स्किन में लगा रखा है। और ये क्लेम करता है कि इसमें है SPF 50, तो ये आपको सूर्य की किरणों से भी थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट करता है। और ये मैंने तो बताया ही कि ये लाइट वेट है। और इसकी जो क्वांटिटी है वो है 40 ml है। और ये फाउंडेशन है वो आता है पम्प फोम में, यानी कि ये जो है ना इसका निकालने वाला ये पम्प फोम में है। जो अगर आपका इसका एक यही माइनस पॉइंट है कि अगर आप इसको प्रेस करते हो तो ये बहुत दूर तक जाके गिरता है। तो आपको क्या करना है, हाथ पे नहीं लेना। अगर आप इस पे उंगली पे लेते हो ना तो डर रहता है कपड़ों वगैरह पे गिरने का, तो आप लो इसके ऊपर यहाँ पे, तो इससे अच्छे से निकलता भी है और बहुत ज़्यादा नहीं निकलता। आप लोगों को लगा के अपने हाथों पे दिखाती हूँ कि ये एब्जॉर्ब होता है किस तरह से, ये देखिए। और ये बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है आपके स्किन में। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लाइट वेट है, तो आपको, आप अगर कॉलेज गर्ल हो और अगर आप कहीं ऑफिस में जा रहे हो तो ये फाउंडेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। जो आप बहुत ज़्यादा अगर हैवी मेकअप नहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए ये फाउंडेशन बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हो इजिली बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाता है। और मैंने तो सिर्फ हाथ से किया है, मैंने कोई ब्यूटी ब्लेंडर वगैरह की इस्तेमाल नहीं किया। और ये ना पैची नहीं है, बिल्कुल पैची नहीं है। हाँ, एक इसका माइनस पॉइंट ये है कि अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा धब्बे टाइप के हैं, तिल वगैरह हैं या कुछ भी ऐसा है जो कि आप छुपाना चाहते हो, तो सॉरी ये वो नहीं छुपा सकता है। ये थोड़ी बहुत स्किन में अगर दाग वगैरह है तो वो हटा देता है। तो गाइस अगर इसकी सेल्फ लाइफ की बात करें तो वो है 3 ईयर, जो कि बहुत ही अच्छी है। 3 साल बहुत होते हैं। और अगर इसके सेट नंबर की बात करें तो ये है 03 और सेट नेम है इसका रोजी ग्लो। तो आप अपने हिसाब से इसको चूज कर सकते हो। और मैं इसको रिकमेंड करूंगी उन लोगों के लिए जो कॉलेज में जाती हैं, जो ऑफिस में हैं, तो उनके लिए अगर लाइट मेकअप करना चाहती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करना चाहती, तो इसको यूज कर सकती हैं। तो गाइस बस आज का था मेरा इनसाइट का ये फाउंडेशन रिव्यू। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अभी के लिए टाटा एंड बाय बाय, और मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।